राधे राधे दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल दिव्या हुनर इन विलेज में स्वागत है। दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल में नए होंगे और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, यह क्लिप लखनऊ का जो मम्मी दवा के लिए वहाँ पे गई थी, तो ये बयान बस दीदी मम्मी को एक्सरसाइज करवा रही हैं और उनको टहला रही हैं, क्योंकि मम्मी को सर्वाइकल प्रॉब्लम है ना, तो इसके लिए डॉक्टर ने बोला है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा टहलाना है और एक्सरसाइज करवाना है, जिससे वह जल्द ही सही हो जाएंगी। तो मम्मी 2-3 दिन वहाँ पे रुक गई थी, तो वही दीदी इनको एक्सरसाइज करवा रही हैं और वहाँ पे टहला रही हैं, और मम्मी बहुत ही खुश हो रही थी, ये सब पहली बार कर रही थी और देख रही थी ये सब, क्योंकि मम्मी बचपन से ही गांव में रही हैं और लाइफ में ये सब पहली बार देख रही हैं, इसलिए वह बहुत खुश हैं। और ये व्यान भर का क्लिप है जो दीदी पेट का एग्ज़ाम देने गई थी और उनको शॉपिंग करना था, तो उनका पूरा शॉपिंग नहीं हुआ था, तो ये बाज़ार फिर से घूमने चली गई थी और इनको घर के भी सामान खरीदने थे, तो ये कह रही थी कि आज के दिन और रुक जाते हैं और सामान जो भी खरीदना है वह खरीद लेंगे, तो ये मार्केट घूमने के लिए चली गई और साथ में अभी भी गया है, और इनको जो जो सामान लेने हैं तो ये लेंगी। और ये दिवाली आ रही है तो यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियाँ भी मिल रही थी, तो दीदी को मूर्तियाँ अच्छी लग रही थी तो ये मूर्ति भी ली थी अपने लिए, तो ये घूम रही थी मार्केट, और यहाँ पे ज्वेलरी भी मिल रही थी, उनको अच्छा लग रहा था लेकिन वह नहीं ली, कह रही थी कि बाद में अगली बार आएंगे तो लेंगे। और यहाँ पे डेकोरेशन के सामान है, क्योंकि दिवाली समय है तो डेकोरेशन के सामान मिलेंगे ही, दिवाली पे सारे लोग अपने घर को सजाते ही हैं, ये बहुत ही अच्छे लग रहे थे। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अब लोग वापस घर आ रही हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा समय हो गया था, 2-3 दिन वहाँ पर रुक गई थी, तो ये दीदी भी उनको छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन तक जा रहे हैं साथ में, और वहाँ पे छोड़ने के बाद ये दीदी वापस चली जाएंगी और ये लोग घर आएंगे। दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मम्मी और दीदी जब जा रही थी लखनऊ, दीदी का तो पेट का एग्ज़ाम था और मम्मी तो दवा के लिए जा रही थी, तो उस समय बहुत ज़्यादा भीड़ था। मम्मी बता रही थी कि सारे बच्चे जैसे ट्रेन में लटकते हुए जा रहे थे पेपर देने के लिए। आज मतलब जब वापस आई हैं तो सही से आई, क्योंकि कम भीड़ थी, और जब पेपर देने के लिए जा रही थी तो उस समय बहुत ज़्यादा वहाँ पे ट्रेन में भीड़ थी, इनको बहुत ही दिक्कत हो रही थी वहाँ पे लखनऊ जाने में। अब ये लोग ट्रेन में बैठने के लिए जा रही हैं और ये दीदी कैमरा को देख रहे हैं तो हाय बोल रही हैं आप सभी लोगों को, और अभी यहाँ पर खड़ा है चुपचाप ट्रेन का इंतज़ार कर रहा है कि ट्रेन कब आएगी। आते समय ज़्यादा नहीं भीड़ था, जब मम्मी इधर से गई बहुत सारा भीड़ था, क्योंकि पेट का एग्ज़ाम था, वहाँ पे टिकट होते हुए भी लोग बाथरूम के पास खड़ी थी, कुछ बच्चे ट्रेन में नहीं चढ़ सके तो वो लोग बाहर से ही हंगामा करने लगे और ईंट पत्थर भी चलाने लगे, जो मम्मी देखकर दंग रह गई और ज़्यादा डर भी गई थी, क्योंकि वो तो पहली बार ये सब देखी थी कि ऐसा भी कुछ होता है। यहाँ पर मम्मी ट्रेन से उतर चुकी हैं, अभी को तो वहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा था, वो बोल रहा था कि हम नहीं आएंगे 2-4 दिन और मम्मी रुक जा, तो उसकी मम्मी बोली क्या करोगे यहाँ पे रहकर। यहाँ पे आप अभी को देख सकते हैं कि ये कैसे धीरे धीरे जा रहा है, क्योंकि इसे वापस आने का मन नहीं कर रहा था, इसे लखनऊ में ही बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और दोस्तों मेरा सपोर्ट भी कीजिए, क्योंकि आप लोग की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू दोस्तों।